सबसे पहले तो मेरे सभी भारतवासियों को चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग की ढेरों बधाई। इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी सिंगल इंडियन ऑफ हियर। हमारे वैज्ञानिकों ने वो करके दिखाया जो किसी और देश के वैज्ञानिक करने में असफल हो जाते हैं हमेशा। जय हिंद, जय भारत। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। इंडियन सिनेमा में कोई मूवी इमोशन के दम पर चल जाए, ये पहली बार देखने को मिल रहा है, वो भी एक ऐसे एरा में जब लोग मॉडर्न हो गए हों, लोगों को मूवी के पीछे हर एक सीन पर लॉजिक चाहिए हो, कंटेंट में दम हो, स्टोरी देखने लायक हो, जो सीधा पब्लिक से कनेक्ट करे। लेकिन गदर 2 में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये मूवी देखी, मुझे ना स्टोरी में दम लगा ना कहानी इतनी लॉजिकल लगी। लेकिन हम इंडियन का ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है जो 2001 में छूट गया था, क्योंकि मूवी ने उस टाइम में पूरे लोगों के दिलों में राज किया था। कैसे आफ्टर पार्टीशन लोगों के ऊपर अत्याचार हुए थे, हिंदुस्तानियों को मार मार के भगाया गया था, लेकिन जब गदर 1 आई, मानो लोगों के जख्म में मलहम का काम किया था मूवी ने। सनी पाजी ने अकेले ही पाकिस्तानी फौज की धज्जियाँ उड़ा दी थी। सेम चीज़ गदर 2 में भी करते दिख रहे हैं सनी पाजी, और लोगों का प्यार गदर मूवी के लिए दिल से निकल रहा है। 66 साल की उम्र में सनी पाजी होने के बाद भी लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लेकर आए जिसे जनता सीधा दिल से जोड़कर रेस्पॉन्स दे रही है। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 आज अपने 14वें दिन में भी गदर मचाने में बिल्कुल कमी नहीं कर रही है। अपने 10वें दिन तक 2 करोड़ की ऑडियंस जुटा ली थी गदर 2 ने। नो डाउट दोस्तों, गदर को जनता से भर भर के प्यार मिल रहा है। सनी पाजी बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया से 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाले बॉलीवुड के पहले एक्टर हो चुके हैं। इसी के साथ बहुत तेजी से कमाई करने वाली बॉलीवुड की पहली फिल्म बन चुकी है गदर 2। तो सबसे पहले आज जानेंगे मूवी पहले 3 दिन में कितनी कमाई करी है, मूवी की ग्रोथ कैसी चल रही है, पहले हफ्ते में कितना कमाया फिल्म ने, पब्लिक की तरफ से आज भी मूवी को कैसे रिव्यू एंड रिएक्शन मिल रहे हैं, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में कितना और कमा सकती है ये मूवी गदर 2, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी है आफ्टर पठान इन 2023, अमेजिंग। इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी उभरकर सामने आ रही है, और ऐसा ही चलता रहा, रोज मोटी कमाई अपने खाते में रखती रही, तो यह पठान को खदेड़कर इस साल की नंबर 1 फिल्म और ग्रॉसर भी बन सकती है। जी हां दोस्तों, वो 12वें दिन में लगभग 11 करोड़ का होल्ड किया। इसी के साथ कल्याणी अपने 13वें दिन में भी एक बार फिर से मोटी कमाई करते हुए 10 करोड़ 25 लाख का होल्ड करा था, और पहले 13 दिन में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 411 करोड़ टच करने में सफल रही थी मूवी, और पूरी दुनिया से पहले 13 दिन में 540 करोड़ के ऊपर आंकड़ा सेट कर दिया था मूवी ने। इसी के साथ दोस्तों, गदर 2 बॉलीवुड हिस्ट्री की नंबर 1 फिल्म बन चुकी थी, जिसने बहुत ही कम समय में 100 करोड़ पार किए, फिर 200 करोड़, फिर 300 करोड़, फिर 400 करोड़ और अब 500 करोड़ कंप्लीट कर चुकी है। और वो दिन दूर नहीं जब ये 2 ही दिन या फिर अपने 3 दिन के ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पूरी दुनिया में 600 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। लेकिन वही बात करें आज यानी डे 14 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो यस, आज भी मॉर्निंग से ही अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिल रही है। लगभग 18-20% की ऑक्यूपेंसी रेट मॉर्निंग में है, और आफ्टरनून, इवनिंग और एंड ऑफ द डे तक ये ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 25-30% की हो जाएगी। इवनिंग में और नाइट में अभी भी कुछ जगह शोज हाउसफुल चल रहे हैं 2D स्क्रीन्स पर। जी हाँ दोस्तों, आज एडवांस से 3.1 करोड़ का आंकड़ा चुराने में सफल रही मूवी। मूवी जबरदस्त ट्रेंड करती दिख रही है, जनता भर भर के प्यार दे रही है, और मूवी आज भी 10 करोड़ का आंकड़ा एंड ऑफ द डे तक सेट कर लेगी नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। और पहले 14 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से 422 करोड़ के आंकड़े को टच कर लेगी टोटल में, सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ पूरी दुनिया से ये फिल्म आज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में 550 करोड़ के आंकड़े अपने नाम करते नजर आ रही है, और बॉलीवुड सिनेमा की 1 फिल्म बनेगी कम समय में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली, और सनी पाजी के करियर की बिगेस्ट ग्रॉसर बनके उभरेगी ये मूवी जिसने 500 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम किया हो, और इस साल की जाइंट पठान को भी खदेड़ते नजर आ रही है गदर 2। इसी के साथ बाहुबली, KGF, दंगल, टाइगर जिंदा है, इन सभी फिल्मों को रिकॉर्ड तोड़कर गदर 2 तोड़ चुकी है। कम समय में बहुत तेजी से कमाई करने वाली मामले में पहली फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों, मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है, नो डाउट, और जनता का प्यार सनी देओल को अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है और भरपूर तरीके से मिल रहा है। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आप लोगों ने भी गदर 2 देख लिया है तो आपको मूवी कैसी लगी, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। दूसरा ये कि गदर 2 क्या 600 करोड़ के आंकड़े को टच कर जाएगी अपने 3 दिन के कलेक्शन के मामले में आने वाले 3 दिन में ही, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, और दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।